हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा फेस पैक कैसे बनाना है, इसे कैसे लगाना है और ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइटन करेगा। वाइटन मतलब अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ चुकी है, आपकी स्किन पे किसी तरीके का ग्लो नहीं है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है, आप अपनी स्किन को टाइट करना चाहते हैं, आपकी स्किन पे झुर्रियाँ आ चुकी हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ चुकी है, तो हर स्किन टाइप को सूट करेगा, स्किन के कलर को भी दुगना करेगा अगर आपका स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डल पड़ चुका है। और अगर आपका स्किन सांवला है तो आपकी स्किन को एक से दो शेड लाइटन करेगा। तो देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बहुत ईजी है बनाना, पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये। तो स्टार्ट करते हैं कि इसे कैसे लगाना है और इसे कैसे बनाना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन को भी कर लेना क्लिक, जिससे कि मैं जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियोस डालूँ आपको उसको सबसे पहले देख पाएँ। तो देखते हैं इसे कैसे लगाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें लेना है चावल का आटा। चावल का आटा हमारी स्किन को ब्राइट करता है, फेयर करता है और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और टाइट करता है। आपके घर में जो भी चावल हो उसे पीस के आप चावल का आटा बना लीजिए। अब इसमें जाएगा दही। दही में होता है लैक्टिक एसिड जो कि स्किन को ब्राइट करता है, फेयर करता है। अब इसमें हम डालेंगे उबले हुए चावल का पानी। अब आप चावल बनाते हैं अपने भगोने में, तो जब चावल उबालते हैं जो पानी होता है ना, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हमारी स्किन को यंग करता है, ब्राइट करता है और फेयर करता है। तो देखिए, चावल का पानी मैं निकाल लूँगी। अब इसमें हमें इतना चावल का पानी डालना है पैक में कि हमें एक स्मूथ सा पैक मिल जाए। बाकी चावल के पानी को आप एक आइस क्यूब में, आइस ट्रे में आइस क्यूब जमा लें उसकी, उसका हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसमें जाएगा हनी। हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होने के साथ साथ एक एंटी एजिंग का भी काम करता है, जो कि हमारी स्किन से झुर्रियों को, झाइयों को दूर करता है। अब सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से मिला दीजिए। इसको आप फेस पैक को 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा फेस पैक तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको चेहरे पे कैसे लगाना है और कैसे इसको रिमूव करना है और उसके बाद आपको क्या क्या लगाना है। चलिए फ्रेंड, आपने देखा कि इसे कैसे बनाते हैं, कितना इजी है बनाना। और ये जो चावल का पानी जो मैंने आपको बताया था, बॉइल्ड राइस वाटर है ना, इसकी आप आइस क्यूब जमा लें, इसका हम अभी बाद में यूज़ करेंगे। तो देखिए, अब मेरा फेस पैक किसी तरीके का मेकअप नहीं है और मैं इसे जैसे नॉर्मल आप फेस पैक लगाते हैं वैसे ही इसे लगाएं। आप अपने फेस को वॉश कर दें, इसके बाद आप इसे अपवर डायरेक्शन में ऐसे अपने पूरे फेस पे लगाएं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी कंसिस्टेंसी है, आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी है इसकी और बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा डाला है जो कि एक नेचुरल स्किन को वाइटन करता है, स्किन के कलर को निखारता है, हमारी स्किन को टाइट करता है, एक एंटी एजिंग का काम करता है। चावलों में इतने गुण होते हैं ना कि ये चावलों की क्रीम आती है, चावलों का फेस पैक आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप इसे अपने पूरे फेस पे लगाएं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसे अपने फेस पे लगा लिया है और इसे हम सूखने देंगे। चावल का आटा और जो चावल राइस वाटर है और जो दही है, ये बहुत जल्दी सूख जाता है, तो ये 10 मिनट में अच्छे से सूख जाएगा। तो आपको बातें नहीं करनी, मुझे आपको बताना था तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बोल रही हूँ। तो देखिए, अब इसको हम सूखने देंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा फेस पैक सूख चुका है। आपको हल्के हाथों से इसे मसाज करनी है इस तरीके से, ऐसे हल्के हाथों। थोड़ा सा मैं राइस वाटर ले रही हूँ ताकि हमारे स्टेप्स बहुत अच्छे से चले। इस तरीके से आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है 1 मिनट तक। और जब आप इस फेस पैक को लगाएंगे ना, तो खुद आपको अपनी स्किन पे एक टाइटनिंग इफेक्ट लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, मेरी स्किन टाइट हो रही है, क्योंकि चावल का आटा हमारी स्किन को वाइटन ब्राइटन करने के साथ साथ टाइट भी करता है। फ्रेंड, मैंने 1 मिनट तक मसाज की थी, अब मैं इसे वॉश करके आती हूँ। और इसके बाद जो हमें राइस वाटर की आइस क्यूब जमाई थी ना, वो आप इसके बाद लगाएंगे, क्योंकि जब हम पैक लगाते हैं ना तो हमारी स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, तो उसको टाइट करना ज़रूरी होता है। और जो राइस वाटर, जो बॉइल्ड राइस वाटर जो हमने क्यूब्स बनाई है ना, वो हमारी स्किन को टाइटन करती है, हमारे पोर्स, अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, फाइन लाइन, झुर्रियों की प्रॉब्लम है, उसे भी दूर करता है, स्किन को टाइट करता है। तो चलिए, मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है एंड यू कैन सी इंस्टेंट ग्लो ऑन माय फेस।
क्योंकि जब भी आप चावल का आटा चाहे नॉर्मल पानी से भी मिला के लगा लेंगे ना तो इतना अच्छा रिजल्ट आता है। पर यहाँ मैंने दही के साथ लगाया है तो और भी इसके गुडनेस बढ़ गई है। अब जो हमने राइस वाटर के आइस क्यूब जमाई थी ना, बस आपको वो अपने चेहरे पर मसाज करनी है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप किसी टिश्यू पेपर में इसे अच्छे से रैप करके इस तरीके से अपने पूरे फेस पर मसाज करें। डायरेक्ट कभी भी मत लगाएं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस तरीके से। पर मेरी स्किन तो है नॉर्मल, मतलब मेरे को कुछ नहीं डायरेक्ट शूट करती है। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ऑयली है, तो यू कैन यूज़ डायरेक्टली ऑन योर फेस। आपको बस ऐसे सर्कुलर मोशन में इसे मसाज करनी है। इससे आपकी स्किन टाइट होती है, ग्लोइंग होती है और बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है। आइस वाटर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं और राइस वाटर के और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी आइस क्यूब है। इसे आप जमा के रख लें और जब भी आप बाहर से आते हैं ना धूप से, तो अपने फेस पे इसे लगाएं। आप खुद अपने स्किन पे इंस्टेंट ग्लो देखेंगे। तो ये आपको कम से कम एक मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है इससे। मैंने एक मिनट तक मसाज की थी और अब मेरी स्किन पे बहुत मुझे खुद बड़ी कूलिंग सा इफेक्ट लग रहा है। स्किन भी बहुत ज़्यादा टाइट लग रही है। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं देयर इज़ नो मेकअप। और आप भी चाहते हैं बिना मेकअप के ग्लोइंग टाइट और यंग स्किन, तो आप इस रूटीन को जरूर ट्राई करना। फेस पैक आप रोज लगा सकते हैं या एक दिन छोड़ के। आइस क्यूब्स तो आप रोज लगा सकते हैं अगर आपको गर्मियों में एक बड़ी स्किन को बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट भी देना है या अपनी स्किन को टाइट करना है। इसके बाद आप कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। मेरे पास मेरे चैनल पर बहुत सारे और भी मॉइस्चराइजर हैं, सीरम है, आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसके बाद मैं कोई भी अभी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लूँगी क्योंकि सुबह का टाइम है। तो मैं अभी नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं ये सब करूँगी। सो आई होप मेरी आपको आज की वीडियोस पसंद आई होगी। पसंद आए तो और आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है ना, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो घर पे ही आप कैसी अपनी ब्यूटी को निखार सकते हैं, यंग ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। तो आप इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। टिल देन फ्रेंड, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। फ्रेंड, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।